गाइस जंप मेगा डैम से आप लोग देख सकते हो कि 350 पे 300% जंप लगाए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक विद अनदर वीडियो। तो जिस तरह तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे रिसेंट में काफ़ी प्यार दिखाया है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे मेगा डैम की, तो और आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई आप मेगा डैम की सीरीज़ को कंटिन्यू रखो और इसमें बट गाड़ी डिफरेंट जो आप बाई करते हो उनके साथ किया करो। तो आज मैं एक वो लेके आऊँ आप लोग के लिए मेगा डैम की वीडियो। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या मेरे से बात करना चाहते हो या कोई भी गेम के मुतल्लिक या कोई भी बात हो तो मेरे से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे से पूछ सकते हो और वहाँ पे मैं स्टोरीज वगैरह भी लगाता रहता हूँ बाय द वे। तो ये आज की गाड़ी जो हमने की है मेगा डैम के लिए, तो सबसे पहले गाड़ी है, इसके व्हील्स देखो यार ह्यूज हैं। सो ये आई थिंक डांस भी करती है पता नहीं, पर इसके व्हील्स बहुत ह्यूज हैं, इस पर तो मज़ा आने वाला है। तो ये है और एक पुराने जमाने की साइकिल थी हमारे पास, ये आप लोग देख सकते हो इसकी लगी है सीट और ये पता नहीं किस तरह की कस्टम मेड साइकिल है। और ये एक हमारे पास है गो कार्ट, ये खुद ही बनाई हुई है इसने, फ्रैंकलिन ने बेचारे की गरीब है ना, तो इस तरह की गो कार्ट है इसके पास। और जो एक नई गाड़ी ली थी मर्सिडीज एएमजी जीटीआर प्योर गोल्ड में, तो हाँ हम ये भी टेस्ट करेंगे मर्सिडीज एएमजी प्योर गोल्ड में जीटीआर जो है। तो और इसके साथ हमारे पास हायाबुसा येलो कलर में है जो कि काफ़ी अमेजिंग है, इसका तो अपना बहुत मज़ा आएगा। इंडोनेशिया से इसने इम्पोर्ट करवाई थी, तो आप लोग देख सकते हो कि पीछे इसके पीछे इंडोनेशिया की नंबर प्लेट लगी हुई कस्टम और साथ हैं कावासाकी ZX जनर, ये फुली मॉडिफाइड है, ये फ्लेम्स भी लगाती हैं, फ्लेम्स भी इसके निकलते हैं और ये काफ़ी चीज़ अमेजिंग है। इसकी ग्राफिक्स देखो आप लोग यार। और एक जो लास्ट कार है पाकिस्तान की, सबसे मेरे ख्याल से सब कुछ सब लोग जानते होंगे पाकिस्तान इंडिया में, लैंड क्रूजर V8, तो इसका ज़रा देख सकते हैं आप लोग, इसके ये इसके टिंटेड ग्लास हैं और इसके साथ इसके व्हील्स मॉडिफाइड हैं। तो अब करेंगे इनका सबका टेस्ट। तो सबसे पहले किसे टेस्ट स्टार्ट किया जाए, मेरे ख्याल से तो मैंने जो टेस्ट स्टार्ट करना है वो तो करेंगे हम इससे, इस गो कार्ट से। तो ओ शीट नीचे गिर गया भाई, खाना नहीं खाता तो बैठ गए, बैठ गए इस तरह बैठते हैं। तो ये इसकी कुछ लुक है, बस एक स्टीयरिंग व्हील लगा है इसका, इंजन पता नहीं कहाँ पर है। तो ये भी स्टीयरिंग व्हील नहीं है बल्कि ये तो वो लगा है जो जिम में यूज़ करते हैं, पर कोई बात नहीं टेस्ट करते हैं। इसका भी बूस्ट लगा है, मैं चेक कराता हूँ, बूस्ट हर गाड़ी को लगे, 1 2 3 गो। सो यहाँ से हमारी गाड़ी जा रहे हैं नीचे, गो क्या बोलूँ इसमें मुझे पता, 300 400 बूस्ट का गैट, तो इसके बूस्ट नहीं करना चाहिए, 500 तो इसने ईजिली टच कर ली। तो आप इनसे यहाँ से मैंने बूस्ट लगाए हैं, तो ये आए नीचे, फ्लिप हो गया अरे यार, पर कोई बात नहीं। इसे हाईवे पर लैंड करना है, किस तरह मैंने हाईवे पर लैंड करना, बस नीचे ना गिरी भाई शीट। और यस, तो ये जिस तरह आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट लैंडिंग हो चुकी है इसकी। यार इसकी स्पीड काफ़ी है, मुझे लगा था काफ़ी आहिस्ता है, बड़ी इतना आहिस्ता नहीं है, तो देख सकते हो 2450 तो इसने ईजिली टच की है। तो बाकी गाड़ी से तेज़ है, ये बकवास ही मुझे लगी थी, बाइक या गाड़ी जो भी है और ये काफ़ी तेज़ है। ज़रा जा रहे हैं रॉन्ग वे, ज़रा इसकी स्पीड पूछ लगा के स्पीड खाता है, 500 तो ईजी पहुंची है नीचे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट गाड़ी टेस्ट करते हैं अपनी। तो अब बारी है इस गाड़ी की, तो यार इसके व्हील्स देखो, ये आई थिंक बनी की फुली मॉडिफाइड है, तो इसके तो मज़ा आना चलाने में यार। यार किस तरह बैठता है अंदर से, इसकी सीट से क्या फायदा, डिस्को बनाया हुआ है फुल, दिखाता हूँ ज़रा, ये अंदर से इसकी सीट है, ये सामने क्या लगा हुआ है ये ड्रामना सा, तो ये पीछे से इस तरह है कुछ, उसके ज़रा ये डोर बंद करता हूँ। इसके टायर्स देखो यार कितनी ह्यूज है, आई थिंक मेगा डैम को तोड़ देगी पता नहीं। इसका ज़रा चेक करते हैं, इसका ज़रा बॉनट देखो, इसके फ्लेम निकलते हैं, फ्लेम तो निकलते हैं, आप लोग सुन सकते हो उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है। सो अभी इसके नीचे लेके जाते हैं, 1 2 3 को, ये डांस करते करते जा रही है, हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, इसकी ड्रिफ्ट हो रही है। इसके ज़रा स्पीड करते हैं, 300 पर चले गई है ये, तो ये 400 नहीं टच की, 350 पे। और ये आया मेगा डैम का जंप और यहाँ से की गाड़ी हमारी ऊपर, तो देख सकते हैं आप लोग अभी तक हवाओ में है ये गाड़ी यार। इसको ज़रा फ्लिप करना ही नहीं, फ्लिप नहीं, इसका भी ज़रा सही से लैंड करना है, जैसा रिसेंट हमारी वो गो कार्ट हुई थी। तो ये सही है, सही सीधी जा भाई सीधी, ये हमारी सीधी सड़क पर लैंड हुई यार, ट्रेन की पटरी पर लैंड हुई यार। इसका ज़रा पानी में चल सकती है, चेक करते हैं, इसके व्यूज तो काफ़ी ह्यूज हैं, पानी में भी आई थिंक से चल सकेगी ये। ये देखिए हम जा रहे हैं पानी में, अभी तक ये पानी में चढ़ी, इसके व्यूज इतने बड़े बड़े हैं यार, ये पानी में चला रहा हूँ मैं, अमेजिंग यार। इसकी देख सकते हो गाड़ी फुल पानी में, नहर के में चढ़ी है, इसके तरफ व्यूज करते हैं, ये देखो यार काफ़ी चीज़ अमेजिंग है। और यहाँ से हम जाते हैं, आप लोग को मैं सीक्रेट जगह दिखाऊँ, आई थिंक यही है सीक्रेट जगह, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि जो सीक्रेट पूरे शहर के अंदर केव घूमती है, ये देखो ये केव है वो, आई थिंक ये पूरे शहर के अंदर घूमती है, केव में सीक्रेट है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता। ट्रेन की ट्रैक पर हम आ गए और यहाँ से बस आगे नहीं जाना, आगे ओ
बिल्कुल अमेजिंग चीज़ है यार, बिल्कुल सीक्रेट है, किसी को भी नहीं पता। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ कि पूरा शहर के अंदर चक्कर काटनी, किसी को नहीं पता। देख सकते हो कि दो दो केव्स आ गई आगे से। यार डर लग रहा है, मैंने नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है यार बस। तो हम अपनी नेक्स्ट गाड़ी की चेकआउट करते हैं। सो ये बारी है मर्सिडीज़ एएमजी जीटीआर की, फुल गोल्डन कलर में। आप लोग देख सकते हो कि फ्रंट पे भी इसका गोल्ड कलर है, और मैं फर्स्ट पर्सन मोड में दिखाता हूँ आप लोग। ये ग्रिल लगी है इसकी और फुल, और इसके रिम्स वगैरह ये स्टोक है। बाकी फुल ये गाड़ी ना आपकी रेडीड है। तो पीछे कार्बन फाइबर के हैं और फुली वाइट बॉडी किट है। इसका इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देखो इसका इंटीरियर यार काफ़ी अमेजिंग है। इसकी आवाज़ सुनी आप लोगों ने। इसकी मैंने डिलीवरी की वीडियो बनाई थी जब मैंने गाड़ी बाइक की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो देख सकते हो, मेरे चैनल पर होनी है। तो और इस पर इसके साथ मैंने 5 स्टार पुलिस चेस की थी, तो इसने बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया था। तो इसकी सबसे पहले आवाज़ देखो यार, फ्लेम्स भी निकालती है गाड़ी। तो और ये अंदर से कुछ यूँ है, RPM भी वर्क करते हैं इसका, ये इसका इंटीरियर ना फुल। तो यहाँ से इसे लेके जाते हैं मैं कह से नीचे। ये मेरा खुद बहुत दिल्ली ख्वाहिश है इसे नीचे लेके जाना। सो 100 इस पर तो बूस्ट कर गया, लेके जाने में दिल्ली नहीं करता। तो ये साइड पे आ गया यार, इसको ये साइड पे आ गए। ये गाइस जंप मेगा रैम से आप लोग देख सकते हो कि 350 पे 300% जंप लगाए हैं। इसकी तरह जब ऊपर को जाती है तो स्पीड कम होगी, तो ये भी जाने से ये सबसे मेरे ख्याल से सबसे आगे जा रही है। तो वो ये चीज़ लेना है सबसे, ये इसकी लैंडिंग तो सही होनी है क्योंकि इसका ज़रा स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ज़रा आगे लेके जाते हैं बच्चे की, तो सीधी इसकी पार्किंग लॉट में लैंडिंग हुई है। यार मज़ा आ गया इस गाड़ी का। इसकी स्पीड भी वैसे काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से इसने कुछ कलर परफॉर्म नहीं किया। तो ये इसके ज़रा आपको कौन कौन इसकी, ये हम पुलिस स्टेशन पर आई थिंक लैंड हो चुके हैं। पर ये पुलिस वाले, ये देखो पुलिस वाले लड़ रहे हैं। अरे भाई हमारी गाड़ी देखे तुम लोग लड़ पड़े हो, तो ज़रा इनसे बातचात करते हैं। जी भाई लड़के हो रहे हो आप लोग, हटो हमारी गाड़ी पे आप लोगों। ओ चोर है आई थिंक ये, इनको मारे या ना मारे। और पुलिस हमारे पीछे लगी है, शिट यार, शिट शिट शिट। मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ, उल्टे ये चोर है। अरे भाई इधर ये चोर, आप लोग देख सकते हो उल्टी हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं, उल्टा हमारे पीछे पड़ेगा। निकलना पड़ेगा यहाँ से भाई, निकलना पड़ेगा मुझे, गलत लोगों से पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े। सो यहाँ से तो निकलते हैं। अरे भाई गाड़ी ये देखो, और भी जा रहे हैं हमारे पास चोर। अरे भाई रेस लगानी है, नहीं लगानी रेस, लगाएगा रेस, लगाएगा रेस। पुलिस वाले भाई तेरे पीछे भी लग पड़े, मेरे पीछे भी पुलिस वाले लगे हैं। हम दोनों के साथ गलती हुई है, मदद की है हम कि उतने हमारे पीछे लग पड़े। अरे भाई क्यों मेरी गाड़ी तोड़ने, ये देख लिया जाम तुमने मेरी गाड़ी तोड़ने का। तो इस तरह बोल से सकते हमारे पीछे फुली पुलिस लग चुकी है, हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। हम नहीं करते नेक्स्ट गाड़ी टेस्ट इतनी जल्दी में, अगर पुलिस वाले हमें पकड़े ना हम अगली गाड़ी में चेकअप करते। तो बाइक्स की तो सबसे पहले कौन सी बाइक टेस्ट करें, हायाबूसा या ZX10। तो मेरे ख्याल से ये तो GS फिल्म के पास ही बाइक है, बड़े ब्लू कलर में है। तो हमें सबसे पहले चेक करते हैं यार हायाबूसा क्योंकि मुझे खुद मेरी पर्सनली फेवरेट है। सो ये स्टॉक में है, वो स्टॉक में नहीं है, इसको ज़रा स्टॉक एग्जॉस्ट है इसके, और दूसरी बाइक के स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं है। भाई हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट वैसे तुमने हेलमेट पहना नहीं, अपने हेलमेट पहनना है। इसका मीटर है, ये भी वर्किंग है। तो इसको लेके जाते हैं मेगा रैम से नीचे। इसको तो ज़रा मैंने बैक फ्लिप्स करनी है, इसकी व्हील करके लेके जाता है। इसको बूस्ट करेंगे नहीं बूस्ट किसका हमको ना, खुद मन नहीं है। बस ये बाइक ना आप लोग दुआ करो कि सही हो। शीट बहुत मुश्किल से बचाएंगे, हमने गया था ये जा रहे हैं। ये शीट ये बाइक से नीचे गिर गए यार, मेरे ख्याल से बाइक ये मैकर बिल्कुल साबित नहीं ठीक हुई। यहाँ से कोई मसला है इस बाइक को, क्योंकि हायाबूसा थी जो ना काफ़ी इसकी क्लीन डाउन थी, तो यहाँ पर लगी है। अरे शीट ये बाइक हमारे पास फिर से आ चुकी है। ओह कूल, और ये बात फिर हम इसको यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से बूस्ट लगा के इसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि बाइक ये कहती है हमें टेस्ट करो। तो यहाँ से बूस्ट लगाते हैं, ये लगा बूस्ट, तो ये लगी बाइक हमारी की हायाबूसा। ये इसकी फ्लिप्स हो रही हैं आप लोग देख सकते हो, ये इसकी फ्लिप लगाई है मैंने। ओह ये फ्लिप करते करते जा रही है यार, इसको ज़रा इसका तो लैंड में मुझे लगता है मैंने गिर जाना है। नहीं ओ शिट, इसका बजा है वो ट्रांसफॉर्मर में यार। फ्रेंकली तेरी लाइफ ही बहुत गलत साबित हुई है, कुछ नहीं कर सकता दुनिया में, कुछ नहीं कर सकता। इसका ज़रा व्हील देखे करते हैं, बर्नआउट इसका ज़रा मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ा नहीं आएगा। ZX10 का मज़ा आएगा। तो ये इसका व्हील चेक करेगा, इसकी लेंथ तो इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन देखना मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये लगी इसकी व्हील। शिट फिर से नीचे गिर गया भाई, हट जा मेरे रास्ते से, तुझे तो आज मैंने फोड़ देने RPG से, तुझे तो आज मैंने आग लगा देनी है, बस लगा देनी आग, तो नहीं अच्छी मिली ये साबुत हुई। ये लगी तुझे आग, चले जा मेरी ज़िंदगी से, बस हो जा, चले जा मेरी ज़िंदगी से, चले जा मेरी ज़िंदगी से, हटा भाई तुझे भी लगा देनी, हट। तो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक को टेस्ट, Kawasaki ZX10R। ये देखो ये ऐसे इसके लिमिटेड सिलेंडर निकलते हैं, मैं
बारह और एसी फ्लेम निकले जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें बहुत पावर है। और उसकी नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है H2R, ये देख सकते हैं आप लोग। इसको विली करके इसका बर्नआउट भी ज़रा हो स्टार्ट में, ये फ्लेम निकल रहे हैं, ये फ्लेम्स निकल रहे हैं, वाह बड़ी शानदार बाइक है। हम इसको लेके जाएंगे विली करके, इसकी विलिंग करके लेके जाएंगे, क्योंकि फिर बाइक की स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मजा आएगा। इसको टर्बो लगाएंगे, इसकी बेसिकली वैसी स्पीड बहुत तेज है। जो मैंने यहाँ से व्हील कर लिया, इसकी ये व्हील हुई है, ये बस पहुँच जाए बाइक, ये जा रही है बाइक फुली 200 पे तो चली गई है। अरे भाई, अरे शिट, इसकी एक चीज़ हम करना भूल गए, इसकी स्पीड से हमने थोड़ा बूस्ट हमें लगाना चाहिए था, क्योंकि उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं है। ये ऐसे इसकी ऊपर वार आप देखें ना कि किस तरह ये फॉर्च्यूनर से तेज़ ऊपर क्लिम कर रही है। चलो और शिट, चलो ये लगा इसका बूस्ट। मैं चाहता इसकी मैं स्पीड ज़्यादा करके लेके आऊँ, और ये हो गया है पानी नीचे, पानी में ना जाए, पानी में नहीं जाना, बूस्ट लगा दूँ बूस्ट नहीं, अरे पानी में ये इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, मेरी व्हीकल सारी डिस्ट्रॉय हो गई आप देख सकते हो। अरे भाई फ्रैंकलिन तो पानी में चला गया, फ्रैंकलिन पड़ा, किसे लड़ रहे पानी में, किसे लड़ रहे तो पानी में। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी बाइक की कि वो अपनी जगह से भी आगे पहुंच गई। मैं ये चाहता था कि बूस्ट से लगा कि ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा मज़ा आए, तो भाई पानी में है। अरे भाई बाहर आ जा, बस इसे तैरना नहीं आता है, पता है आप लोगों को, ये तैरना पानी के अंदर, बस ये मरना जाए। इसको ज़रा बाहर लेके आते हैं पानी से, भाई ऊपर आ जा, ये आ गया पानी के बाहर,